वेलकम बैक। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने ऑसिलेटरी मोशन को इंट्रोड्यूस किया था और बोला था जनरली ऑसिलेटरी मोशंस आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन विद नेगेटिव साइन। सो दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट दैट रीस्टोरिंग फोर्स इट इज ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट एंड रीस्टोरिंग फोर्स इंक्रीजेज एज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजिशन इंक्रीजेज। अगर ये दो पॉइंट्स फॉलो हो रहे हैं तो ऑब्वियसली दैट मोशन इज गोइंग टू बी ऑसिलेटरी मोशन। सर एन वॉज ऑड इंटीजर्स, इसका एक स्पेशल केस व्हेन एन इज इक्वल टू वन, यानी कि एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स पावर वन। दिस स्पेशल काइंड ऑफ ऑसिलेशन इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। किसी भी ऑसिलेशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन तब बोलेंगे जब रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट पावर वन विद नेगेटिव साइन, यानी कि नेगेटिव रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट एंड रीस्टोरिंग फोर्सेस दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। दिस इक्वेशन कैन ऑल्सो बी रिटन एज फोर्स कैन बी रिटन एज मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस के एक्स। सो आई कैन राइट एज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस के अपॉन एम इनटू एक्स। के इज सम कॉन्स्टेंट, मास ऑफ द बॉडी ऑल्सो रिमेन्स कॉन्स्टेंट, सो वी कैन ऑल्सो से एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। चाहे इक्वेशन को ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, बोथ मीन्स सेम। दिस इज द आइडेंटिटी या ऐसे बोल सकते हैं फिंगरप्रिंट, इट्स फिंगरप्रिंट ऑफ SHM। आपको कोई भी ऑसिलेशन दिया जा सकता है, आप तो ये तो पहचान सकते हो हाँ ये पर्टिकुलर मोशन ऑसिलेटरी है या नहीं है, बैक एंड फोर्थ मोशन हो रहा है अबाउट अ फिक्स्ड पोजिशन, दैट विल बी एन ऑसिलेटरी मोशन। वेदर दैट ऑसिलेटरी मोशन इज सिंपल हार्मोनिक और इट इज नॉट, सो उसका क्या पहचान है, उसकी ये पहचान है अगर रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट पावर वन और एक्सेलरेशन रीस्टोरिंग एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट पावर वन, देन दैट पर्टिकुलर ऑसिलेशन इज गोइंग टू बी सिंपल हार्मोनिक। सो इनको आप आइडेंटिटी या फिंगरप्रिंट ऑफ SHM भी बोल सकते हो। अगर आपको कोई भी एक ABCD मोशन दे दिया जाए और आपको बोला जाए पहचानिए कि ये सिंपल हार्मोनिक है या नहीं, वो कैसे आप करोगे? मोशन को देख के आप ये तो पहचान सकते हो कि वो पर्टिकुलर मोशन ऑसिलेटरी है या नहीं। अगर बैक एंड फोर्थ मोशन हो रहा है अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट तो वो गारंटी की वो ऑसिलेटरी मोशन तो है, बट वो पर्टिकुलर ऑसिलेटरी मोशन SHM है या नहीं उसकी क्या पहचान है, उसकी ये पहचान है अगर रीस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट की पावर वन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या ऐसे बोल लें एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट पावर वन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम उसको सिंपल हार्मोनिक मोशन बोल सकते हैं। आगे आने वाले चैप्टर के अंदर हमें बहुत सारे मोशन देखने को मिलेंगे, हमें पूछा जाएगा कि बताइए ये पर्टिकुलर ऑसिलेशन सिंपल हार्मोनिक है या नहीं। जैसे एग्जांपल पेंडुलम का मोशन हमें दे दिया जाएगा, बताइए ये पर्टिकुलर ऑसिलेशन सिंपल हार्मोनिक है या नहीं है। बहुत सिंपल है, हल्का सा बॉडी को डिस्प्लेस करेंगे और देखेंगे जो रीस्टोरिंग फोर्स जो इसको वापस लेके आने की कोशिश करेगा क्या वो डिस्प्लेसमेंट पावर वन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर है तो वो सिंपल हार्मोनिक है, अगर नहीं है तो सिंपल हार्मोनिक नहीं है। हमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आगे मिलेंगे। स्प्रिंग का मोशन, स्प्रिंग को थोड़ा सा स्ट्रेच करके छोड़ दिया जाएगा तो ऑब्वियसली इट विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग, तो वो क्या सिंपल हार्मोनिक है? सेम, हल्का सा डिस्प्लेस करिए, जो रीस्टोरिंग फोर्स पिक्चर में आएगा देखिए कि वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या नहीं है, अगर है तो सिंपल हार्मोनिक है, नहीं है तो नहीं है। ऐसे बहुत सारे केसेस हमें इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने हैं, तो ये पहचान है सिंपल हार्मोनिक मोशन। नाउ फॉर फ्यू मिनट्स फॉरगेट अबाउट कि हम SHM को पढ़ रहे थे, एक छोटे से मैथमेटिकल पार्ट के ऊपर फोकस करते हैं। डोंट ट्राई टू रिलेट विद दिस, लेटर वी विल ट्राई कि हाँ कोई रिलेशन है या नहीं, अभी एक मैथमेटिक्स के ऊपर फोकस करिए। अगर मैं एक इक्वेशन लिखूं एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस और माइनस फाइ नॉट, प्लीज ये इस इक्वेशन का क्या मीनिंग है, डोंट गो इनटू दिस। कुछ चीजें जानना है कि एक्स अभी रिप्रेजेंट कर रहा है सम काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ए इज सम कॉन्स्टेंट, ए इज सम कॉन्स्टेंट, ओमेगा इज ऑल्सो सम कॉन्स्टेंट, टू थ्री फोर फाइव एनीथिंग, फाइ नॉट इट इज ऑल्सो सम कॉन्स्टेंट एंड टी इज टाइम। Don't go into the meaning of this equation. It's simply an equation between displacement and
time. Other things are constant. Now, if I differentiate this equation, what I'll get is dx by dt. Just focus on the mathematical part. What I'll get is a omega cos omega t plus or minus phi naught. Simple differentiation with respect to time with the negative sign. Now again differentiate this equation with respect to time. What I get is d square x by dt square. It's a double differentiation of x. What we'll get is a omega square sine omega t plus or minus phi naught. Now see this a into sine omega t, this thing, this is nothing but x. Let this be equation number one. So ध्यान से देखिए a sin omega t plus minus phi naught क्या represent कर रहा है, displacement x. So this equation can be written as, so taking this way, d square x by dt square plus omega square x is equal to zero. Clearly ये equation हम लोगों ने यहां से derive किया. This equation is called differential equation of x. See, mathematics के अंदर बहुत सी equations हमें मिल जाती हैं, जैसे trigonometric equations जिसके अंदर sine, cos, cot, tan trigonometric identities available होती हैं. Polynomial equations मिल जाती हैं, जैसे कि some constant a x power 5, some constant x power 4, some other constant so on is equal to 0. These type of equations are called polynomial equations. इसका एक special case जिसको हम trigonometric equation बोलते हैं, x square minus 3x plus 2. So ऐसी equation जिनके अंदर differentiation involve हो जाए, ऐसी equations को हम क्या बोलते हैं, differential equation. जैसे कि ऐसी equations के solutions होते हैं, solution यानी कि ऐसी value x की जो इसको satisfy करे, इसका solution है x is equal to 2 and x is equal to 1. 2 को put करिए 0 मिलेगा, 1 x को 1 put करिए तो हमें 0 मिलेगा. तो हम क्या बोल तक सकते हैं कि x की ये दो वैल्यूज इसके सॉल्यूशंस है. तो यहां पे अगर फोकस करें, क्या हम लोगों ने इस इक्वेशन को यहां से डिराइव करना स्टार्ट किया, तो क्या ऐसा बोल सकते हैं अगर x की वैल्यू ये a sin omega t plus minus phi naught अगर यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दी जाए तो क्या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि इस इक्वेशन को डिराइव ही यहां से किया गया. तो क्या हम बोल सकते हैं कि दिस इज द सॉल्यूशन, दिस value of x, यानी कि this thing is the solution of this differential equation. Now coming back to the SHM, थोड़ा सा mathematics करते हैं यहां पर भी. यहां से start कर रहे हैं, restoring force is minus kx, restoring force is minus kx. Force को force can be written as mass into acceleration minus kx. Acceleration comes out to be minus k by m into. Now acceleration can be written as double differentiation of displacement with respect to time. क्योंकि अगर displacement को एक बार differentiate करें we get velocity, अगर double differentiate करें we get acceleration. So a can be written like this. So if I take this term this way, what I get is, now this is called differential equation of SHM. Differential equation क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस equation के अंदर differentiation वाली terms involved हैं. अब अगर इस equation को हम अभी जो discussion किया था उसके साथ compare करें, so these are identical, very identical equations. Omega यहाँ पे एक constant था, यहाँ पे भी x का जो coefficient है वो भी एक constant है. अगर इस constant को मैं omega square substitute कर दूँ, then these two equations become exactly same. अगर इस equation का solution is this value of x, so clearly I can say इसका equation भी होगा x is equal to a sin omega t plus or minus phi naught, where omega square is equal to, किसको omega square substitute किया था, k by m को, yeah, or we can say omega is equal to k by m under the root. Now, this is the solution of this differential equation. यानी कि this value of x will satisfy this equation.
In fact, this is a one of the solution. There is another solution as well, and that is x is equal to a cos of omega t plus minus phi naught. Why we are getting two solutions? Very simple reason. Quadratic equation mein maximum power hoti hai 2, so we get two values of x. Here as well, this is a differential equation, second order differential equation. Maximum power is what? 2. So this differential equation also has two solutions. One is x, one is sine, other is cos. Agar aap cos se bhi start karte, to aapko yahi differential equation milta. So is differential equation ke hamare paas do solutions ho gaye. Ultimately, what we have got is second fingerprint of SHM. First fingerprint of SHM was this, and this is the second fingerprint of SHM. Agar displacement and time is equation ke according change ho rahe hain, then guarantee I can say that particular particle is doing simple harmonic motion. इस इक्वेशन में a omega phi naught क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं अभी हम लोगों ने डिस्कशन नहीं किया, बट अभी सिंपल एक चीज समझ के चलिए, अगर डिस्प्लेसमेंट और टाइम इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग चेंज हो रहे हैं, यानी कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से टाइम के साथ ऐसे वेरी कर रहा है, देन गारंटी आई कैन से दैट पर्टिकुलर पार्टिकल इज डूइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन. एक चीज आपको फोकस रखनी है कि ओमेगा हम लोगों ने किस चीज को सब्स्टिट्यूट किया था. ओमेगा हम लोगों ने, ओमेगा स्क्वायर हम लोगों ने के बाय एम को सब्स्टिट्यूट किया था. ओमेगा बिकम्स के बाय एम. के क्या चीज थी? यहां से के इज अ फोर्स कांस्टेंट एंड एम क्या चीज है? मास. सो किसी भी अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर मोशन दे दिया जाए और पूछा जाए एसएचएम है या नहीं है, तो आपके पास दो आपके पास ऑप्शंस हैं. या तो उसका रिस्टोरिंग फोर्स चेक करिए, थोड़ा सा डिस्प्लेस कीजिए एंड चेक करिए रीस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट पावर वन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या नहीं है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, अदरवाइज नहीं है. अदर आपके पास ऑप्शन है कि उसका देखिए पोजीशन टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है. अगर वो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है देन वो SHM है, अदर नहीं हो रहा तो वो SHM नहीं है. नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इस इक्वेशन को इलैबोरेट करेंगे.